हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सुनीता विलियम्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम सुनीता विलियम्स के बारे में बहुत सी ये जानने वाले हैं, जैसे कि उनने बनाए हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, उनकी इंस्पिरेशन। और आप में कई लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि सुनीता विलियम्स के सरनेम विलियम्स है तो वह इंडियन कैसे हुई। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलो अब ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें सुनीता विलियम्स की इंस्पिरेशन की, तो वो थी कल्पना चावला। दोस्तों, हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। दुख की बात तो यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्न और खुद के दीवा स्वप्नों को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। आपको बता दें कि यह दोनों ही महिलाएं भारतीय थी। दोस्तों, हमारे मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि सुनीता के नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर वह भारतीय कैसे। तो इस सवाल का जवाब आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दरअसल सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। अब दोस्तों, वह कैसे है यह भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के जुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा प्राप्त की। वह गुजरात में डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका चले गए। सुनीता के माता पिता की अमेरिका में 3 संतानें हुई थी, जय, दीना और सुनीता, जिसमें सुनीता सबसे छोटी थी। दोस्तों, सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था। सुनीता बचपन से ही बहुत साहसी थी। वो दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह बहुत मेहनती थी। बचपन में उसके माता पिता उसे प्यार से सुनी कहते थे, मतलब सुनीता विलियम्स का निक नेम था सुनी। 6 साल की सुनीता ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे ऐसा कर दिखाना है। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की और 1983 में नेवल एकेडमी में व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्ति का महत्व था। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल ट्रस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को सुनीता ने प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसीलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। सुनीता का 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने भी सुनीता विलियम्स की सिद्धि में पूरा पूरा साथ दिया। अंतरिक्ष से आने के बाद सुनीता विलियम्स ने बताया था कि अंतरिक्ष में खाने से लेकर चलने फिरने तक सभी चीजों में मुश्किली होती है। अंतरिक्ष में जाने से पहले सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद सुनीता ने और भी बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, जिसमें से एक यह था कि 194 दिन और 18 घंटे 58 मिनट सुनीता ने अंतरिक्ष में बिताए। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।